देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की, इसके बाद वो बजट पेश करने के लिए संसद पहुंची। इस बजट से खासकर मिडिल क्लास, किसान, नौकरी पेशा और महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में भी मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की भी झलक देखने को मिल सकती है।